नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एमडीएन इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना के नए अपडेट के बारे में। दोस्तों नया अपडेट वो है कि जिन व्यक्ति का पैसा आवास योजना का फंसा पड़ा है दोस्तों, उन सभी लोगों की सेकंड किस्त आनी शुरू हो चुकी है। मैंने बहुत दिन पहले बताया था कि 4 नवम्बर से लेकर 17 नवम्बर तक आवास योजना का पैसा आएगा। इतने बीच में दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति का पैसा आया भी और बहुत सारे लोगों का पैसा अभी भी रुका है। लेकिन दोस्तों कल उम्मीद किया जा रहा है कि 17 नवम्बर, जी हाँ दोस्तों 17 नवंबर को आवास योजना का पैसा बहुत तेज़ी से भेजा जाएगा। लगभग उन सभी राज्यों में भेजा जाएगा जो राज्य अभी तक आवास योजना से वंचित हैं, जो इन लोगों का सेकंड किस्त अभी तक फंसा पड़ा है। दोस्तों तीसरी किस्त को लेकर अभी कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही है। मेरे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट कर रहे हैं कि तीसरी किस्त के बारे में वीडियो बनाइए सर, तो मेरे भाइयों आप लोग जान लीजिए कि तीसरी किस्त का पैसा भी नहीं भेजा जाएगा जब तक ये जो नगर निकाय का चुनाव है खत्म ना हो जाता है। नगर निकाय का चुनाव लगभग दोस्तों दिसंबर के पहले नहीं खत्म होगा, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। तो उम्मीद क्या यही किया जा रहा है जब तक दिसंबर में नगर निकाय का चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक आवास योजना की तीसरी किस्त का पैसा नहीं भेजेगी सरकार। दोस्तों और मैंने जो बातचीत किया उनमें भी यही मुझे अपडेट मिली है कि अभी भी किसी का भी तीसरी किस्त का पैसा नहीं भेजा जाएगा। अगर आपके पास कोई सेकंड और फर्स्ट किस्त का रोका गया पैसा उसकी लिस्ट हमारे पास भेज दीजिए। तो दोस्तों मैंने जितने भी हमारे यहाँ नगर पंचायत में लगभग सभी लोगों का सेकंड किस्त का पैसा आ चुका है। उम्मीद है पहली किस्त और लगभग बहुत सारे लोगों का रोका गया है जो अभी नए नए अपडेट हो रहे हैं, लेकिन तीसरी किस्त का पैसा सभी लोगों का आने लगा है। दोस्तों अब उम्मीद किया जा रहा है कि जल्दी सभी लोगों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा और आपके भी खाते में पहुंच ही रहा होगा। दोस्तों तो बहुत सारे लोग जो भी कमेंट कर रहे थे दोस्तों कि सर दूसरी किस्त का पैसा नहीं आ रहा है, तो मेरे बहुत सारी वीडियो पे सब लोग कमेंट भी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों शहरी आवास योजना का पैसा चेक करने की कोई वेबसाइट नहीं है ना, नहीं तो मैं आपको वेबसाइट के थ्रू दिखा देता कि यहाँ पर देखेंगे पैसा आया कि नहीं आया है। लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप लोग जाकर किसी न किसी से पता कर सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में गाँव में पता कर सकते हैं कि आवास योजना का पैसा आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आवास योजना संबंधी एक छोटी सी अपडेट है कि जितने लोगों का रिजेक्ट लिस्ट था उन सभी का रिजेक्ट लिस्ट अप्रूव होना शुरू हो चुका है। तो अब उम्मीद किया जा रहा है कि जल्दी आपका भी लिस्ट अप्रूव कर लिया जाएगा शहरी आवास योजना के अंतर्गत। तो अगर आपका भी आवास योजना के अंतर्गत कोई भी दिक्कत है दोस्तों, तो आप लोग जाकर अपने डूडा ऑफिस पर और प्लस अपने जी से और सभासद महोदय से मिलते रहिए। दोस्तों इसमें चुनाव चलने वाला है तो आप लोग जो भी कहेंगे वो सही सही से जानकारी हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों जानकारी कैसी लगी, एक भी पर्सन आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ते जाइए। दोस्तों धन्यवाद भाइयों।